नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ कपड़े धोने से। एक्चुअली ये दोपहर का टाइम है और सुबह के टाइम कृष्णा के डैडी वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए मैं मशीन नहीं लगा पाती। तो इसीलिए फिर मैं दोपहर को खाना बनाने से पहले मशीन लगाती हूँ। तो रोज़ के पहनने के जो कपड़े हैं वो मैंने यहाँ पर धो दिए थे, लेकिन जो रूही के बर्थडे वाले दिन के कपड़े थे वो रखे हुए थे, तो यहाँ पर फिर मैं उनको शैम्पू से धो रही हूँ। और शैम्पू मैं वही यूज कर रही हूँ जो हम डेली रूटीन में अपने लिए यूज करते हैं, नाइल का शैम्पू है ये। तो बस उन्हीं कपड़ों को फिर मैंने सोचा कि चलिए धो देती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि इनको ऐसे ही रख दूँगी, फिर मुझे लगा कि नहीं, बच्चों ने यूज किए हुए हैं, तो फिर मतलब मैंने इनको धोया है और बस इनको मैंने मशीन में ही शैम्पू से हाथों से अच्छी तरीके से धोकर निचोड़ दिया था। और मतलब मैंने इनको ड्राई नहीं किया है, बस ऐसे ही निचोड़ के मैं इनको सीधा छत पे लेके आई हूँ, जिससे कि इनको डाल दूँ मैं और इनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। तो कपड़े मैंने और भी धोए थे रोज़ के, तो लेकिन टाइम हो गया था, 2:30 बज गए थे, तो इसीलिए फिर मैंने उनको नहीं डाला छत पे सूखने के लिए, क्योंकि बस थोड़ी देर में फिर 4:30 बजे दिन छिप जाता है, तो फिर मुझे उनको उतारना पड़ता। तो बस इसीलिए फिर मैंने ये जो मेरा सूट था और बच्चों के कपड़े थे, बस वही मैंने छत पर डाल दिए थे। और दाल बनने के लिए मैंने रख दी थी पहले ही, तो बस इसीलिए फिर मुझे नीचे जाके बस खाना बनाना था। और कपड़ों को डाल के फिर मैं नीचे आई हूँ, तो जो मशीन में कपड़े थे ड्राई होने के लिए रखे हुए थे वो निकाल के सारे मशीन को एक साइड करके यहाँ पर मैंने फिर जो साफ सफाई है वो कर दी है, जिससे कि जो पानी वगैरह है वो निकल जाए। और कृष्णा बहुत फिसलता है, तो इसीलिए पानी को मैं विशेष रूप से ध्यान रखती हूँ कि पानी जो है कहीं ना हो। तो बस कपड़े धोने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने दाल बनाने के लिए रख दी थी, तो बस अब मुझे रोटी बनानी है क्योंकि मैंने आटा भी बना दिया था। तो बस यहाँ पर मैं रोटी बनाने लगी हूँ और आगे का वीडियो जो है बस फटाफट से मैंने काम किया है, क्योंकि आज मुझे किसी को मेहंदी लगानी थी, जो मतलब पास में ही रहती है वो मुझे भाभी बोलती है, तो वो मुझे सुबह ही बोल के गई थी उसकी मम्मी की उनको मेहंदी लगा देना। तो बस फिर इसीलिए मैंने फटाफट से खाना बनाया, काम किया और फिर उसके बाद उनको आना था, तो इसीलिए बस फिर मैंने खाने के बाद सीधा मेहंदी का ही वीडियो बनाया है, क्योंकि अगर सारा ही वीडियो मैं शूट करती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता और मेहंदी की वीडियो मुझे काटनी पड़ती। तो बस फिर यहाँ पर सबको खाना दे के मैंने खुद भी खाया और किचन का काम निपटा के कृष्णा को सुला के मैंने उनको फ़ोन कर दिया था कि आप आ जाओ और मेहंदी लगवा लो। तो बस फिर देखिए अब मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ इनको मेहंदी। और मेहंदी तो वैसे मैं इतनी खास नहीं लगाती, लेकिन फिर भी ये है कि ठीक ठाक लगा लेती हूँ। तो ये जब भी मेहंदी लगवाती है ये मेरे से ही लगवाती है। और बस फिर मैंने इसको मेहंदी लगानी शुरू कर दी है, तो आप इस मेहंदी की वीडियो को एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेहंदी कैसी लगी है और वीडियो कैसा लगा है।
तो लीजिए, मेहंदी हो गई है लगभग पूरी और इसको लगाने में मुझे आधा घंटा लगा था मैक्सिमम, क्योंकि मैं लगाती रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आई होप आपको ये मेहंदी अच्छी लगी होगी और आज का वीडियो भी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।